तो फ्रेंड्स आप अपने फोन में जानना चाहते हैं कि आपके फोन में 10 दिन पहले किसने क्या यूज किया है और बहुत ही आसानी से अपने फोन के अंदर में पता कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपके फोन ले लेते हैं उसमें गलत एक्टिविटी करते हैं 5 दिन पहले या 6 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले। तो आप उस एक्टिविटी को आप देखना चाहते हैं फोन के अंदर में, तो बहुत ही आसानी से आप अपने फोन के अंदर में चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि आप अपने फोन को किसी फ्रेंड के पास दे दिए और उसने गलत एक्टिविटी किया आपके फोन के अंदर में, तो आप चाहते हैं चेक करना 2-3 दिन बाद कि मेरे एक्चुअली में उसने फोन में क्या क्या चीज यूज किया है। तो बहुत ही आसानी से डेट एंड टाइम के साथ आप पता कर सकते हैं कि उस टाइम में उसने क्या क्या यूज किया आपके फोन के अंदर में। तो उसको करना कैसे है चेक फ्रेंड्स, वो मैं आपको कर दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स थोड़ा सा भी स्किप आप मत कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसको कैसे करना है चेक फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में पूरी पूरी आपको जानकारी दूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह आप अपने इस एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपने अपने फोन के सेटिंग में आ जाए, यहाँ पे देखिए मैं अपने फोन के सेटिंग में आ जाऊँ। फोन के सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे देखिए गूगल का ऑप्शन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको कोई भी फोन हो फ्रेंड्स, आपको सैमसंग का हो फ्रेंड्स या फिर वीवो हो, एमआई हो या फिर कोई भी फोन हो फ्रेंड्स, आपको गूगल का ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक गूगल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर, जैसे आप सेटिंग में आएगा फ्रेंड्स आपको गूगल का ऑप्शन कहीं ना कहीं मिल जाएगा फ्रेंड्स। गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैनेज योर गूगल अकाउंट, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। यहां पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देखें डाटा एंड प्राइवेसी है, डाटा एंड प्राइवेसी के ऊपर आप क्लिक कर दें। डाटा एंड प्राइवेसी के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहां पे देखिए यहां पे जैसे ही डाटा एंड प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहां पे देखें माय एक्टिविटी है, माय एक्टिविटी के ऊपर आप क्लिक कर दें। माय एक्टिविटी के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी 10 दिन पहले 15 दिन पहले आपका फ्रेंड ने मोबाइल यूज किया है, तो आप चाहेंगे तो पता कर सकते हैं कि उस समय आपका फ्रेंड है जो कि क्या-क्या आपके फोन में कौन-कौन सा एक्टिविटी किया है। तो यहां पे देखिए यहाँ पे जैसे मैं थोड़ा नीचे आऊंगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा एक्टिविटी यहाँ पे शो कर रहा है। मैंने देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको डेट के साथ यहाँ पे बताएगा फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने YTA स्टूडियो यूज किया था, यहाँ पे Samsung नोट यूज किया था फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें यहाँ पे Samsung का फाइल मैनेजर यूज किया था, यहाँ पे मैक्स प्लेयर यूज किया था। तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा यहाँ पे डिटेल, यहाँ पे देखिए क्रोम मैंने यूज किया था, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे डेट के साथ यहाँ पे आपको सारा का सारा एक्टिविटी यहाँ पे शो कर जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मान के चले फ्रेंड्स, मान के चले यहाँ पे कोई भी मान के चल मैं इसको यहाँ पे देखिए क्रोम या फिर मैंने गैलरी को ओपन किया था, यहाँ पे देखिए गैलरी का है जो कि 17:59 पे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, यहाँ पे देखिए 17:59 पे मैंने यहाँ पे इसको गैलरी को ओपन किया था जो कि 15 जनवरी को मैंने यहाँ पे ओपन किया था फिर। तो इस तरह बहुत ही आसानी से आप पता कर सकते हैं 10 दिन पहले 15 दिन पहले या महीना दिन पहले या 6 साल पहले या फिर आप 1 साल पहले जो भी एक्टिविटी को आप देखना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड। तो अपने फोन के अंदर में जो भी एक्टिविटी है आपके फ्रेंड ने किया या फिर आपने खुद कोई एक्टिविटी किया तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं फ्रेंड। या फिर फ्रेंड्स आपको मान के चलिए इस सेटिंग में आपको एक गूगल का ऑप्शन नहीं मिला तो आप एक जरिया और है फ्रेंड्स, जो कि उस जरिए से भी आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे इस सेटिंग में आप आ सकते हैं। तो उसको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे सीधे आप अपने जीमेल में आ जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मैं अपना जीमेल में यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं अपने जीमेल में भी आ जाऊंगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरा शो कर जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए मैं अपना जीमेल को यहाँ पे मैं खोज लेता हूँ। तो यहाँ पे जीमेल जैसे मैं देखे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जीमेल में आ जाता हूँ। जीमेल में आएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जीमेल पे जैसे ही आएंगे फ्रेंड्स तो आपको जीमेल में भी ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट है, यहाँ पे जैसे मैंने प्रोफाइल वाले अकाउंट पे क्लिक किया तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैनेज योर गूगल अकाउंट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए डाटा एंड प्राइवेसी सेम वैसा ही आप सेटिंग पे आप आ जाएंगे। तो इस तरह बहुत ही आसानी से आप अपने फोन के अंदर में एक्टिविटी को आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको तनिक भी अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन घंटी को दबा दें। दोस्तों जब आप बेल आइकन घंटी को दबाएंगे फ्रेंड्स तो उसमें एक ऑल का ऑप्शन आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि मैं जब भी इस तरह का कोई भी यूजफुल वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन जो कि मिलता रहेगा फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।